कमलनाथ पर हमले की मैं निंदा करता हूं, पर कांग्रेस ने राजनीति का जो स्तर दिखाया है वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि हमेशा कमलनाथ को अपनी कुर्सी और तिजोरी की चिंता रही है, जो जनता को धोखा दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ धोखा किया है, जनता कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस प्रदेश में बनेगी। क्या कहना था जो सिंधिया का? एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। कल कमलनाथ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कल कमलनाथ जी के काफिले पर हमला हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी भी किसी के भी काफिले पर हमला होना गलत है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूँ, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ स्पष्ट रिश्ता रखा। राजनीति में प्रजातंत्र, हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूँ और सदैव कहता हूँ, और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांक।